शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। साथ ही अगर बात करें तबादला नीति की, तो लंबे समय से जो थर्ड ग्रेड शिक्षक है वो इंतजार कर रहे हैं तबादला नीति का, तो इस पर आगे क्या कुछ रहेगा, क्या अपडेट है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो भी घोषणाएं हुई है बजट में, क्योंकि इस बार बजट में बड़ी घोषणाएं हुई शिक्षा विभाग को लेकर, तो उन्हें धरातल पे कैसे देखा जाएगा? देखिए, बजट जो बना है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए बना है, तो बजट की घोषणाएं जो है 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। और आप निश्चित मानिए कि जब से 1 अप्रैल लगेगा तब से निश्चित रूप से लगातार सारी घोषणाएं लागू होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे 3,820 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की है, वो तो 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी। इसी प्रकार प्राइमरी स्कूल का खुलना, मिडिल स्कूलों को, प्राइमरी को मिडिल में क्रमोन्नत करना, मिडिल को सेकेंडरी में क्रमोन्नत करना, ये सारी घोषणाएँ निश्चित रूप से जुलाई और अगस्त से पहले पहले इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। तो शिक्षा विभाग की जितनी भी घोषणाएँ हैं वो निश्चित रूप से हम जो हमारा शैक्षणिक सत्र शुरू होगा उसके आसपास और उसके 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जैसे जैसे जनप्रतिनिधियों की अभिशंसाएं आएंगी उसके अनुसार जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। सर, शिक्षा उसकी बात करें, अगर तबादला नीति की बात करें, तो थर्ड ग्रेड शिक्षक लंबे समय से इंतजार करें, तो तबादला नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब तैयार होगी? मैं जब से शिक्षा मंत्री बना हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहा कि आप तबादला नीति बनाएं, तब से हमारे विभाग ने इसका शिक्षा की जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, जैसे प्रिंसिपल, प्राचार्य, हेडमास्टर, व्याख्याता और उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक, इन सब की जो है ट्रांसफ़र नीति बनाने के लिए हमने अलग अलग स्टेट्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी को स्टडी करके उसका एक प्रारूप बना करके मेरे और हमारे अतिरिक्त शिक्षा सचिव महोदय से डिस्कस होने के बाद ये सारी की सारी पॉलिसी हमारे मुख्य सचिव को भेजी जा चुकी है। मुख्य सचिव जी इसको कार्मिक विभाग को भेजेंगे और कार्मिक विभाग जब इसको अप्रूव कर देगा तो उसके बाद संभवतः मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अथवा आप ये समझिए कि कैबिनेट में इस पर विचार किया जाकर जब भी ये फाइनल शेप में आ जाएगी तब ये लागू हो जाएगी। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि पहले भी आपसे जब मेरी बात हुई थी तब आपने कहा था इसमें 30 दिन तक का समय लग सकता है, लेकिन अगर अभी कुछ अनुमानित समय माना जाए, अगर कोई टाइम बाउंड अगर माना जाए, तो इतने समय तक मानी जाए कोई अंदाजा या कुछ? मैंने आपको बताया ना, कार्मिक विभाग से और मुख्यमंत्री जी से अप्रूव होने के बाद फिर उसमें जैसा मैंने आपको बताया 1 महीना भी नहीं लगेगा, बल्कि और मैं सोचता हूँ 15 दिन में उसको लागू कर दें। सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल, कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, वो बहुत इस चीज़ को लेकर उत्साहित भी हैं और थोड़ी सी जो टेंशन है कोविड को लेकर भी चीज़ें, तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी कैसी रहेगी इस साल? बोर्ड की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए हमने आगे खिसकाया था, लेकिन अब कोविड की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो परीक्षाओं की जो घोषित तिथियाँ हैं उसके आधार पर परीक्षाएँ हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत स्मूथली सारी तैयारी की जा चुकी है। हमने बोर्ड के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को पूरे निर्देश दे दिए हैं कि वो निष्पक्षता से और प्रभावी ढंग से अच्छी तरीके से इम्तहान कराएं, समय पर रिजल्ट निकलाएं, ताकि अगला शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो सके।